हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी। मीठे में अगर गुलाब जामुन खाने को मिले तो कितना अच्छा लगता है, जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है। आज हम इस गुलाब जामुन को बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना के तैयार करेंगे। तो इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए न तो हम मैदा का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मावा का यूज़ करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर से बनाएंगे। तो एकदम से सॉफ्ट ऐसे गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे, वो भी ब्रेड से, और वो भी बहुत ही टेस्टी खाने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये गुलाब जामुन कैसे लगे। हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेके आई कुछ मीठे में। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मीठी रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया एक छोटा बर्तन, उसके अंदर हम चाशनी बनाएंगे। तो लूँगी मैं एक कटोरी शक्कर। तो मैंने इस कटोरी की सहायता से चीनी ली है, तो इससे डेढ़ गुना हम पानी लेंगे। तो एक कटोरी शक्कर लिए तो हम डेढ़ कटोरी पानी लेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँ एक कटोरी पानी और साथ में आधी कटोरी और ऐड कर रही हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और बर्तन को चढ़ा दिया है। अब इसे अच्छे से हिलाना है। तो हम चाशनी को अच्छे से मेट कर लेंगे। तो ये लीजिए, चाशनी को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। और आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी दिखने में गाढ़ी होने लगी है। ये तो आप कोई भी रेसिपी बनाए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मेजरमेंट है वो हमेशा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी रेसिपी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो इसे थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करूँगी। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर खाने में बहुत ही टेस्टी आएगा। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे 1 या 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो ये लीजिए, हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने के बाद हमें 1 मिनट और इसे बाद में पकाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 ब्रेड ले लिए, और मेरे पास ये वाइट वाले नहीं, ये ब्राउन वाले ब्रेड है। तो आप चाहे तो यहाँ पे वाइट वाले ब्रेड का भी प्रयोग भी कर सकते हैं। और तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्राउन वाले ब्रेड। ये सबसे पहले हम इन ब्रेड को साइड से कट कर लेते हैं। तो हमें साइड से ये ब्रेड के जो ब्राउन कलर के हैं उन्हें हटाना है। ऐसे इस तरह से आपको हटाना है इन सबको। तो इस तरह से हम सभी को हटा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से ये कट करना है ब्रेड को। तो हमने ब्रेड के चारों तरफ के एजेस को कट कर लिया है, जो ब्राउन कलर के हैं। जो साइड के एजेस है आप उनको फेंकना मत। आप चाहो तो उसे सैंडविच के रूप में खा सकते हैं, या फिर आप उसे कटहल बना सकते हैं। तो याद रखना है हमें ऐसे, अगर आप चाहो तो इन्हें मिक्सी के अंदर भी पीस सकते हैं, पर मैं हाथों से ही कट कर रही हूँ इनके छोटे छोटे टुकड़े। मैंने यहाँ के एक एक करके सारे ब्रेड के छोटे टुकड़े कर दिए हैं तोड़कर। अब मैं यहाँ पे डो बनाने के लिए दूध ऐड करूँगी, जो कि ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म है, नॉर्मल दूध है ये। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी और इसका एक सेमी सो डो तैयार करूँगी।
डो बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करें, वरना ये पतला हो सकता है, जो कि हमें हल्का सेमी डो बनाना है। 5 मिनट के साइड पे ढक के रख देंगे क्योंकि हमारा तो सेट हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से मसलना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डो अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसे हाथों से मसल लूंगी, तो आप चाहे तो अपने हाथों पे घी या तेल भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से मसलने के बाद हम अच्छे से गुलाब जामुन बना के तैयार करेंगे। मैंने इसे अच्छे से मसल दिया है, अब हम इनका गुलाब जामुन तैयार करेंगे। गुलाब जामुन बनाने से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आपका डो अगर गीला हो तो आप 1 या 2 ब्रेड के तोड़कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका ये डो है वो सेट हो जाएगा। तो गुलाब जामुन बनाने से पहले आपको अपने हाथों पे तेल या घी को लगाना है, जो कि अपने गुलाब जामुन अच्छे से बने। इस तैयार किए हुए डो में से हम लेमन साइज का डो उठाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मसलते हुए राउंड शेप का बनाएंगे, और इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लेंगे। ऐसे ही छोटी छोटी लाई लेनी है हमें लेमन साइज। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। अब मैं एक एक करके सारे गुलाब जामुन को कढ़ाई के अंदर ऐड करूंगी, और याद रखिए कि हमें सारे नहीं डालने हैं, और हम गैस को मीडियम कर लेंगे, और इन्हें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है क्योंकि ये अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी पक जाएंगे। तो हम इन्हें लगभग 30 सेकंड से ऐसे ही पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से अच्छे से पक रहे हैं और हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं। मेरे जामुन अच्छे से बन चुके हैं। अब गुलाब जामुन के पीसेस को इसी तरह से हिलाते हुए चारों तरफ से सेकना है। धीरे धीरे इस तरह से हिलाना है ताकि ये अंदर से फट ना जाए। और हमें गैस के लो को कम ही रखना। हम चाशनी के अंदर ऐड करेंगे। ये भी तैयार है। तो लीजिए, यहाँ पे मेरे सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर एक एक करके सारे पीसेस को डाल देंगे। अब हमें एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। तो इनके अंदर एक उबाल आ गया है। तो हम चाशनी को ठंडा होने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। बन के तैयार है, तो आप देख सकते हैं इन्हें। लीजिए, खाने के लिए तैयार है ये एकदम।